शामा में कीवी उत्पादन की अपार सफलता के बाद अब अन्य क्षेत्रों के काश्तकार भी कीवी उत्पादन करने की सोच रहे हैं। कांडा के कभाटा गांव के एक किसान ने शामा के कीवी उत्पादन से प्रभावित होकर गांव में कीवी उत्पादन की शुरुआत की है। कांडा में कीवी उत्पादन का प्रयोग सफल होने पर उद्यान विभाग सहित अन्य किसान भी उत्साहित हैं। कांडा के कभाटा गांव में कीवी उत्पादन की शुरुआत एक शिक्षक ने की है। शिक्षक देवेंद्र कुमार ने शामा के कीवी मैन भवान सिंह कोरंगा से प्रभावित होकर उनसे कीवी उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने अपने गांव का भाटा में 10 नाली भूमि में कीवी उत्पादन का कार्य शुरू किया है। वर्तमान में कांडा के कभाटा गांव में एक रेट की कीवी की फसल तैयार होने से किसान शिक्षक देवेंद्र कुमार न केवल उत्साहित हैं बल्कि उद्यान विभाग बेहद खुश है। दरअसल उद्यान विभाग के सहयोग से ही 10 नाली की भूमि में कीवी का बगीचा तैयार हो सका है। आज हम कभाटा आए हुए हैं देवेंद्र कुमार जी के यहाँ और इनका कीवी का पूरा प्लांट देखने के लिए, और ताकि हम थोड़ी जानकारी ले सकें कि कैसे होता है, कैसे क्या क्या करना होता है, कैसे इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे पौधे लगते हैं, सब कुछ जानकारी के लिए। बिकॉज ऑफ क्योंकि हम भी सोच रहे हैं कि हम भी लगाएं कीवी प्लांट और उस तरह हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो अभी हम यहाँ आए हैं और हमने बहुत सारी जानकारी जैसा कि हमने यहाँ पर इकट्ठा की हुई है कि कैसे इसमें फेंसिंग होनी है, कैसे इसमें एंगल लगने हैं, ये वायर लगने हैं, कैसे पौधे लगने हैं, उनकी कटिंग शटिंग का टाइम क्या है, कैसे दवाई पानी करनी है, किस तरह से उनका जो है कितनी दूरी होनी चाहिए पौधों में, तो ये सब हमने यहाँ पर आके जानकारी ली। और हमें बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर लोगों का कि उन्होंने हमें बुलाया और हमें इस तरह से प्रशिक्षण देने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज सामा में रसायन विज्ञान प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ और मैं जो कीवी किंग श्री भगवान सिंह कुरंगा जी जो सामा के रहने वाले हैं उनसे उनके मार्गदर्शन में मैंने ये कीवी का प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मेरे मन में भावना आई कि मैं भी अपने गांव में अपने खेतों में कीवी लगाऊं, और उससे मैंने फर्स्ट साल 5 पेड़ लगाए। 5 पेड़ लगाने के बाद पेड़ होने लगे। उसके बाद फिर दूसरी बार मेरे मन में भावना आई मैं भी और पेड़ लगाऊं। फिर दूसरे साल मैंने 25 पेड़ लगाए। फिर विभाग वालों ने देखा कि इनके वहाँ पेड़ लगने शुरू हो गए कीवी के, तो उसके बाद विभाग वाले ने मुझे फ़ोन किया कि आपके वहाँ कीवी के पेड़ हो रहे हैं तो आप और लगा सकते हैं। श्री कुलदीप जोशी जी प्रभारी उद्यान अधिकारी कांडा उनने मुझे सलाह दिया कि आप कीवी लगा सकते हो, और इस हिसाब से उन्होंने मुझे 10 नाली भूमि पे 80% सब्सिडी के हिसाब से मुझे कीवी के पेड़ दिए, और उसी में मुझे उनने अपनी सरकार विभाग की जो योजनाएं थी वो दी। उससे अभी मेरे पेड़ लगे हुए 6 साल हो गए। 2018 में मैंने शुरू किया, फिर 2022 में कुछ फल लगे, फिर 2023 में भी उससे ज़्यादा फल लगे, और अभी इससे ये भविष्य के लिए ये अच्छा स्वरोजगार है। आज हम लोग आए हुए थे ग्राम कभाटा में स्थित हमारे जिला योजना अंतर्गत जो स्थापित किया गया उद्यान कीवी मिशन का। तो ये हमारा जो कीवी मिशन का बागान के अंतर्गत ये बागान किया गया है, तो इसमें 80% सब्सिडी दी गई है फार्मर को, और ये एक पूरा ऑर्चार्ड बना हुआ है 10 नाली में योजना है। एंगल टी बार फेंसिंग सब चीज किया गया है, और कीवी जो है आपका वो फलतना आ रहा है धीरे धीरे। तो कुछ कृषक थे जिन्होंने ये प्रेक्षा की कि हमें स्थलीय भ्रमण करवाइए या हम भी लगाना चाहते हैं बगीचे को, तो उन किसानों को लेते हुए हम आज यहाँ फील्ड विजिट के लिए आए हुए हैं। तो इसी हमारा ये मकसद था कि किसान सीधा ही जो इच्छुक किसान है जो योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं या जो कीवी उत्पादन करना चाहते हैं, तो उन्हें हम ऑर्चार्ड का भ्रमण करा सकें या बगीचे का भ्रमण करा के जो तकनीकी जानकारी है या जो विभागीय योजनाओं की जानकारी है वो दे सकें, ये इसका उद्देश्य था। तो जो इच्छुक किसान हैं वो संपर्क कर सकते हैं, या अगर आप लगाना चाहते हैं कीवी को तो आप उद्यान विभाग के संपर्क कर सकते हैं, और जितना भी संभव होगा हम आपके फील्ड भ्रमण के हिसाब से करके आपको योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे।
सीसीए न्यूज के लिए कांडा से पंकज दशीला की रिपोर्ट।